हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। डिटरमाइन द कपलिंग कोफिशिएंट एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कपल्ड इंडक्टर्स एट टी इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। हमें इसका कपलिंग कोफिशिएंट बताना, और क्या बताना, टी इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड में ये जो कपल्ड इंडक्टर्स हैं इनमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है? कपलिंग कोफिशिएंट जो होता है कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है एम अपॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन एल वन इंटू एल टू। एल वन और एल टू क्या, जो कपल्ड इंडक्टर्स हैं उनके इंडक्टेंस, ठीक है। तो एम दे रखा है वन, ठीक है, ये एम है, ये एल वन कह दो, इसको एल टू। तो वन अपॉन रूट टू कितना होता है? 0.707, ठीक है, ये हो गई के की वैल्यू, कपलिंग कोफिशिएंट आ गया। अब हमें निकालना एनर्जी स्टोर्ड इन द कपल्ड इंडक्टर्स। एनर्जी स्टोर्ड का मैं फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कपल्ड इंडक्टर्स जो होता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ एल वन आई वन स्क्वायर, यानी पहला इंडक्टर उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो, प्लस वन अपॉन टू एल टू आई टू स्क्वायर, प्लस माइनस एम आई वन आई टू, ठीक है। आई वन और आई टू को मैग्नीट्यूड के साथ लेके चलना, ठीक है, सॉरी विद साइन लेके चलना। अब क्या करेंगे, आई वन और आई टू चाहिए हमें पहले फॉर्मूले के लिए। तो कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे? प्लस लेंगे अगर प्लस साइन यूज होता है, कब, अगर डॉटेड टर्मिनल्स में करंट एंटर कर रही है या लीव कर रही है, दोनों में, ठीक है। करंट जो कर रही है, क्या कर रही है, एंटर एंड एंटर कर रही है, और लीव कर रही हो दोनों टर्मिनल में, ठीक है। नेगेटिव साइन लेते हैं इसके लिए बता रहा हूँ मैं। अगर करंट जो है एक में एंटर कर रही हो और दूसरे में लीव कर रही हो, ठीक है, तो नेगेटिव साइन यूज होता है। अब देखो हम अपनी तरफ से ही डायरेक्शन मान लेंगे करंट की। मैंने मान ला इसमें करंट ऐसे फ्लो रही है और इसमें ऐसे फ्लो रही है, आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक केवीएल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस वाले टर्मिनल्स में ये करंट होगी, इससे लीव होगी, यहाँ पे देखो ऐसे करके बाहर आएगी, और यहाँ से देखो इसमें एंटर करेगी। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया हमारा एंटर एंड लीव का, ठीक है। करंट क्या कर रही है, एंटर और लीव कर रही है। देन जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी क्या होगी, यहाँ पे करंट के, यहाँ तो पता चल गया एंटर लीव का केस है, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में तो पता चल गई। अब जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें जो वोल्टेज सोर्स आता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी होगी क्या होगी, वोल्टेज सोर्स पोलैरिटी विल बी नेगेटिव पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस इंडक्टर में। तो हम पहले पॉजिटिव जो लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखो इधर बस जो इंडक्टर्स होते हैं उनके सीरीज में कपल्ड इंडक्टर्स होते हैं, उनके सीरीज में क्या आ जाता है, एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है। इसमें आई वन करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी होगी, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, इसकी वोल्टेज सोर्स की नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन सब को चेंज करना शुरू करो, ये आ गया 20 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट, ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हमने और ओमेगा निकाल लिया, अगर ओमेगा आ गया तो इनको इम्पीडेंस में चेंज करो, ये तो 4 ओम ही रहेगा,
और इसका कितना हो जाएगा, कैपेसिटर का जो होता है वो होता है 1/j ω C, और इंडक्टर का होता है j ω L। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 1/j × 2 × 1/8, 2 से 8, 1/8 4 टाइम्स कैंसिल, 4 ऊपर चला गया, ये आ गया -j 4 ओम। ठीक है, चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। ऐसे इंडक्टर के लिए करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जे ओमेगा की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा j 4 ओम। यहाँ पे क्या होता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट जो फ्लो हो रही है दूसरी कॉइल में, तो सॉरी दूसरे कपल्ड इंडक्टर में, तो दूसरी कपल्ड इंडक्टर तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही थी, ये दे रखा हमारा 2 ओम। इसकी पोलिटी क्या होगी, इंडर करंट ऐसे जा रही है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में, तो पहले नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका 1 हेनरी दे रखा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, j 1 j × 2 × 1, यानी j 2। तो ये जो पोलिटी इसका वैल्यू होती है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग इन अदर कपल्ड इंडक्टर्स। तो दूसरे वाले में इसके लिए दे रहे हैं, तो दूसरे वाले में देखो कितनी करंट फ्लो हो रही है I2, इसके लिए देखेंगे इसमें कितनी, इसका जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही J2 म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग इन अदर इंडक्टर। तो इस वाले कंडक्टर इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, ये इतना लिख दिए। ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही ये 1 हेनरी है, तो j j into 1 into 1, तो आ जाएगा j j1 ओम। ठीक है, सॉरी ये कितना आ जाएगा, j2, कैसे ओमेगा की वैल्यू 2 है ना, j2 ओम। ठीक है, यहाँ रखेंगे ना j ओमेगा की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है, ठीक है, j × 2 × 1। तो बस आ गया कि अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो चुका, बस केवीएल लगाना शुरू करो। मैं पहले यहाँ पर इससे लेता हूँ, देखो इसमें आ जाएगा -j I1 और +j2 +2 I2 = 0। यहाँ से सोल्व करेंगे, वो आएगा I1 जो आएगा यहाँ से वो आएगा 1 -j I2। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इस वाले इसमें लगाओ, अब इसी तरह से कितना हो जाएगा, -20 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस, यहाँ पे इन दोनों से I1 करंट गई, 4 -j 4 I1, और यहाँ से कितनी करंट आई, सॉरी अभी ये वाला इसमें भी I1 ही करंट होगी, प्लस जे फोर -j 2 I2 = 0। J4 से ये वाला J4 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, I1 की वैल्यू हमें पता है, इसको मैं इधर ले गया, तो 4 I1 की वैल्यू है 1 -j I2, और यहाँ पे बचा ये j2 I2 20 एट एन एंगल ऑफ 0। ठीक है, मैं इसको इधर करता हूँ, यहाँ से मैंने I2 कॉमन ले लिया, तो I2 कॉमन लेने के बाद इस वाले पार्ट को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, इसके 20 एट एन एंगल ऑफ 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 -j 4 4 -j 4 -j 2, ठीक है, तो I2 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 20 एट एन एंगल ऑफ 0 4 -j 6। तो इसको अब चेंज कर लो, उसमें 20 एट एन एंगल ऑफ 0 इसको फेजर में चेंज करो, कैसे करते हैं पता है ना, 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, एंगल निकालते हैं, ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.77 एट एन एंगल ऑफ 56.31 इतने डिग्री एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू आ गई, I1 में लगा दो, तो I1 कितना हो जाएगा, इसी टाइप से 1 - j मल्टीप्लाई बाय 2.77 एट एन एंगल ऑफ 56.31। तो I1 को जो सोल्व करेंगे ये आएगा 3.92 एट एन एंगल ऑफ 11.31 इतने
डिग्री एम्पियर, ठीक है। आई वन और आई टू आ चुके, लेकिन हमें जब आई वन और आई टू निकालना है उस पे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टी कस टू 1.5 सेकेंड पे निकालना है टी आई वन और आई टू की वैल्यू कितनी होगी। तभी तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे। तो आई वन और आई टू को पहले करंट डोमेन में, उस टाइम डोमेन में लिखो, कितना हो जाएगा 3.92। इसमें रेफरेंस था हमारा कोस 2t प्लस इसका एंगल 11.31 है ना। तो अब इसका आई वन कितना हो जाएगा, आई वन एट टी कस टू, ऐसे ही पहले आई टू लिख दो यहाँ पे। आई टू कितना हो जाएगा 2.77 कोस 2t प्लस 56.31। तो अब ये आ गया टी कस टू 1.5 पे निकाल दो इन दोनों की वैल्यू। टी कस टू 1.5, टी कस टू 1.5 लगाएंगे जब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी कस टू 1.5 पे 3.92 कोस 2t की जगह 1.5। अब ये देखो रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 11.31। ऐसे इस वाले के लिए कितना हो जाएगा 2.77 कोस 2t की जगह 1.5 और ये 180/π प्लस 56.31। तो बस आई वन कितना आ जाएगा, यहाँ से आई वन को सोल्व करो, इसमें इसको रखेंगे जब, तो ये आई वन आएगा हमारा, आई वन सोल्व होकर आएगा जो मैं फाइनली लिख रहा हूँ, माइनस थ्री पॉइंट विद साइन लिखना है। और आई टू सोल्व होकर आएगा माइनस 1.85 इतने एम्पियर। तो एनर्जी जो आ जाएगी कितना आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, साइन जो होगा कौन सा होगा, एंटर और लीविंग का केस है, ठीक है। तो एंटर और लीविंग का केस होता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये हो जाएगी एनर्जी, आ जाएगी हमारी हाफ एल वन, एल वन कितना हमारा, एल वन है 2 और आई उसमें करंट फ्लो कितनी हो रही है, -3.91 प्लस हाफ एल टू, एल टू है हमारा 1 1 और आई टू कितनी है -1.85। इसका स्क्वायर केस है ये माइनस का, ठीक है। माइनस एम, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 1। आई वन कितना है, आई वन है -3.91 और आई टू कितना है -1.85। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होकर आएगा 9.77। एनर्जी किस में होती है, जूल में, ठीक है। तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इन कपल्ड इंडक्टर्स, ठीक है 9.77 जूल। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, मैंने बता दिया फॉर्मूले में कब क्या चेंज होने और कैसे पॉलिटी किसकी कब लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।